वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, यू आर वॉचिंग इन फोर ऑन लॉग्स। सो गाइज, आज हम जिस SUV का रिव्यू करने वाले हैं, द मोस्ट पावरफुल जो SUV काउंट होती है, और बताना चाहूँगा अगर मैं गाड़ी की आपको थोड़ी सी डायमेंशंस के बारे में बताऊँ तो गाड़ी की हाइट, लेंथ और विड्थ इतनी है कि मतलब इसके साथ में खड़ा हुआ बंदा भी जो है बहुत हल्का लगता है। तो जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ द फोर्ड एंडेवर की। तो गाड़ी की फीचर्स बताने से पहले आपको गाड़ी की थोड़ी सी एक लुक दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से आपको गाड़ी जो है फ्रंट और रियर से लगने वाली है। यहीं पर अगर बात करें फीचर्स की, तो फ्रंट में आपको जो है क्रोम ग्रिल जो है, ज़बरदस्त क्रोम ग्रिल जो है, 3 लेयर क्रोम ग्रिल आपको मिलने वाली है। यहीं पर अगर मैं बात करूँ, गाड़ी में आपको जो है LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे विद LED DRLs के साथ। और यहीं पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको जो है नॉर्मल हेलोजन्स आपको जो है फॉग लैंप्स मिलने वाले हैं। पर्टिकुलर बम्पर आपको मैं बताना चाहूँ तो ये ड्यूअल टोन के साथ, वाइट एंड सिल्वर कलर के ड्यूअल टोन के साथ आपको जो है पर्टिकुलर बम्पर मिलने वाला है विद 360 फ्रंट एंड पार्क रियर आपको जो है सेंसर इसमें मिलने वाले हैं पार्किंग। और अगर मैं बात करूँ गाड़ी की साइड प्रोफाइल पर, तो यहाँ पर आपको जो है 18 इंचेस के ज़बरदस्त ड्यूअल टोन आपको जो है अलॉयज मिलने वाले हैं। टायर की अगर प्रॉपर मैं साइज़ की बात करूँ, तो इस अंदर आपको जो है टायर साइज़ आपको जो है 265/60 जो है R18 का जो है टायर का साइज़ मिलने वाला है। यहीं पर अगर फ्रंट फेंडर पर बात करूं, तो यहां पर आपको क्रोम के साथ जो है एंडेवर की ज़बरदस्त बैजिंग मिलने वाली है। बात करें अगर गाड़ी के रियर मिरर्स की, तो यहां पर आपको जो है ड्यूअल टोन में क्रोम और ब्लैक के साथ आपको जो है टर्न इंडिकेटर का जो है ऑप्शन मिलने वाला है। गाड़ी की अगर की बात करूं, तो इस तरह की आपको जो है दोनों स्मार्ट की मिलने वाली है, जिसके अंदर आपको जो है लॉक अनलॉक और जो एक बूट ओपन का ऑप्शन जो है इसमें मिलने वाला है। यहीं पर अगर मैं बात करूं, तो सारे आपके जो डोर हैंडल्स हैं ये आपको क्रोम फिनिश मिलने वाले हैं। इसके साथ आपको जो है पुश बटन जो है इसमें ऑप्शन मिलने वाला है। तो यहीं पर अगर मैं बात करूं, तो गाड़ी के अंदर आपको जो है फुट स्टेप का जो है ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर बहुत मतलब अगर मैं ईजिली बताना चाहूँ तो बहुत ज़बरदस्त आपको जो है इसकी बिल्ड क्वालिटी मिलेगी विद अगेन यहाँ पर आपको जो है सिल्वर विदाउट बैजिंग। यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई बैजिंग नहीं मिलेगी, बट आपको सिल्वर जो है स्कफ प्लेट यहाँ पर मिलने वाली है। अगर यहीं पर कवर करते हुए बात बताना चाहूँ, गाड़ी में आपको जो है सिल्वर रूफ रेल्स मिलेंगे। और अगर यहीं पर गाड़ी में आपको जो है अगर रेयर पर मैं बात करूँ, तो अगेन आपको जो है LED टेल लाइट्स मिलेंगे विद आपके जो है नॉर्मल हेलोजन्स के साथ आपको जो है बाकी ऑप्शंस मिलने वाले हैं। गाड़ी में आपको रियर साइड पर आपको दिखाना चाहूँ, एंड अगेन क्रोम में आपको जो है ब्रांडिंग मिलने वाली है विद 4x4, जैसा कि बता रहे हैं हम, ये टाइटेनियम प्लस आपका जो है 4x4 का जो है ऑटोमेटिक वेरियंट है, तो यहाँ पर आपको जो है टाइटेनियम की ब्रांडिंग भी दिखेगी। यहीं पर अगर मैं बात करूं गाड़ी के रियर साइड में, तो यहां पर आपको जो है रियर ब्रेक लाइट के साथ आपको जो है डिफॉगर विद वाइपर वॉश और विद अगेन आपको वाइपर के साथ मिलने वाली है। गाड़ी में आपको जो है रियर पार्किंग कैमरा विद पार्किंग असिस्टेंस के साथ मिलने वाला है। यहीं पर अगर मैं रियर बम्पर की भी बात करूँ, तो रियर बम्पर भी आपको जो है ड्यूअल टोन में विद अगेन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 360 पार्किंग असिस्टेंस के साथ आपको जो है रियर पार्किंग सेंसर्स भी मिलने वाले हैं। यहीं पर अगर बताना चाहूँ बूट स्पेस की, तो गाड़ी के अंदर ऑल्दो क्योंकि ये 7-सीटर गाड़ी है, तो इसके अंदर आपको जो है बूट स्पेस ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट हाँ अगेन एनफ आपका जो है बूट स्पेस इसके अंदर आपका मिलता है। स्पेयर व्हील आपकी जो है वो आपको जो है अंडर द आपको जो है कार के नीचे मिलने वाली है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आपको जो है नॉर्मल आपको जो है आपकी टूल किट मिलने वाली है, जिसके अंदर आपको जो है आपको बहुत हार्ड जो है बोर्ड इसका मिलेगा। और एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पर आपको जो है 12 वाट का एक अगेन पावर सॉकेट मिलेगा। और यहीं पर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप जो है आपकी जो सबसे थर्ड रो की जो सेटिंग है, उसको आप सिर्फ वन टच, यहाँ पर बटन है दोनों के, आप उसको लेफ्ट और राइट आपकी जो है वन टच से आप जो है सीट को डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर आप दोनों जो है सीट को डाउन कर सकते हैं, वन टच से आपको जो है इस सीट को अप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर किसी तरह की कुछ आपको मैनुअल कोई आपको किसी तरह का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वन टच से आपकी जो है सीट अप एंड डाउन हो जाएगी। यहीं पर आपको रियर में जो है एक यहाँ पर आपकी जो है बूट पे आपको जो है स्पेस मिलेगा लाइट का, जहाँ से इजीली जो है आप डार्क में जो है इसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का आपको जो है रियर आपको जो है गाड़ी के रियर की जो है लुक मिलने वाली है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं गाड़ी के अंदर आपको जो है क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। जैसा कि मैं बताना चाहूँ, गाड़ी के अंदर में आपको जो है इस तरह की कैबिन की जो है कुछ आपको लुक मिलेगी, जो ऑलरेडी पूरा आपका फुली लोडेड कैबिन है। अगर मैं बात करूँ गाड़ी, अगर मैं फीचर्स की बात करूँ, तो
इस साइड से, तो यहाँ पर आपको जो है पैनो फिनिश ब्लैक कलर में आपको ड्यूअल टोन आपका जो है इंटीरियर मिलने वाला है। और यहीं पर अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ तो ये आपको पूरा लेदर स्टिच, आपको जो स्टिच यहाँ पर दिखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त, आपको जो है ड्यूअल टोन के साथ जो है आपको इंटीरियर मिलने वाला है। अगर मैं ड्राइवर साइड की बात करूं तो यहां पर आपको जो है लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिलने वाला है, यहां से आप डोर जो है लॉक अनलॉक कर सकते हैं। यहीं पर अगर मैं बात करूं तो चारों कंट्रोल्स आपको जो है यहां पर मिलेंगे विद वन टच के साथ, तो आपको जो है इजीली इसको डोर्स को अप एंड डाउन ग्लास को कर सकते हैं। यहीं पर अगर मैं बात करूँ गाड़ी के, यहाँ पर आपको जो है सारे लाइट्स के कंट्रोल मिलते हैं, यहाँ से आप अपनी मेन लाइट्स को, यहाँ से आप अपने फॉग लैंप्स को, और यहीं से अगेन जो है आपको सारे कंट्रोल्स जो है मिलने वाले हैं। यहीं पर यहीं से इस बटन से जो है आप यूजुअली जो है अपनी जो ये आपके क्लस्टर पे जो आपके मेन्यू पे आपके बटन्स होते हैं उनकी लाइट्स को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको आई डोंट नो आप देख पा रहे होगे या नहीं इस टाइम आपको, बट हाँ इनसे जो है अगर मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करूँ तो देखेंगे आप थोड़ा ये लाइट जो है आपको जो है थोड़ी सी कम अपने अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहीं अगर मैं बात करूँ राइट हैंड साइड में अगर, तो यहाँ पर आपको जो है अगेन क्रूज़ कंट्रोल और अगेन लिमिट का, आपने अगर आप स्पीड लिमिट में जो है करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। यहीं पर अगर लेफ्ट हैंड साइड में बात करूँ तो आपको जो है अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो है यहाँ पर फंक्शंस मिलने वाले हैं। गाड़ी में अगर आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो है सारे एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस मिलेंगे, सेंटर में आपको जो है आपका स्पीडोमीटर मिलेगा विद अगेन यहाँ पर आपको जो है दिख रहा है पार्किंग और आपका रिवर्स न्यूट्रल देन ड्राइव मोड स्पोर्ट्स मोड, तो यहाँ पर आपको सारे मोड्स जो है दिखने वाले हैं। ऑन द राइट हैंड साइड में आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आपको जो है अगर हमारे गियर लीवर के साथ में जस्ट जो एक मोड है जिसमें हम टॉगल करते हैं अगर इसको हल्का सा, तो यहाँ पर आपके मोड्स जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे अभी ये स्नो और मड मोड दिखा रहा है, यहीं पर अगर मैं इसको चेंज करूँ तो ये आपका जो है सैंड मोड दिखाएगा, यहीं पर अगर मैं इसे फिर से चेंज करूँ तो अगेन ये आपका जो है रॉक मोड दिखाएगा। गाड़ी आपकी ऑलवेज ऑल टाइम जो है 4x4 पर ही एक्टिव रहती है, तो अगर इस मोड से हम जो है नॉर्मल मोड कर सकते हैं, यहाँ पर आपको हिल असिस्ट का जो है ऑप्शन मिलता है। गाड़ी में अगर मैं बताना चाहूँ आपका ड्यूअल एसी है, तो इसको अकॉर्डिंग आप जो है अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ, और अगर मेरे को पैसेंजर पे कोई है तो वो अपने अकॉर्डिंग अपना जो है एसी टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर अगर मैं बताना चाहूँ 7 एयरबैग्स जो है आपको मिलने वाले हैं। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है बहुत ज़बरदस्त आपको जो है एयरबैग्स इसके अंदर मिलने वाले हैं। और यहीं पर अगर मैं बात करूं गाड़ी 10 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आपको जो है ये गाड़ी मिलने वाली है। इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँ तो आपको आपको जो साइड में प्लस और माइनस का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो ये यूजुअली आप इसे मैन्युअली जो है गियर्स को मैनेज कर सकते हैं। सपोज आप ओवरटेक करें या स्पोर्ट्स मोड पे आप इसको चलाना चाहते हैं तो आप इसको मैन्युअली भी जो है एडजस्ट कर सकते हैं। यहीं पर अगर मैं बात करूँ आपको 8 इंच की बहुत ही ज़बरदस्त इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको जो है मिलने वाला है विद ऑलमोस्ट 10 स्पीकर्स प्लस सबवूफर के साथ विद नॉइस कैंसिलेशन के साथ। तो अगेन आपको किसी तरह का कोई जो है, मुझे नहीं लगता ऑडियो बहुत ही ज़बरदस्त है इसमें, तो आपको किसी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा जो है इसके अंदर अटैचमेंट म्यूज़िक सिस्टम से या ऑडियो से रिलेटेड आपको लगाना पड़ेगा। गाड़ी में मैं जैसा कि मैंने आपको बताया 8 इंच का जो है आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ। और यहीं पर अगर मैं बात करूँ तो अगेन आपको जो है रियर व्यू मिरर जो है आपका जो ऑटो डिमिंग पर होता है, तो आपको किसी तरह का कोई इसमें मैनुअल जो है नहीं मिलेगा। गाड़ी के अंदर सबसे बेस्ट फंक्शन जो मैं बताना चाहूँ आपका जो है वन टच सनरूफ आपकी जो है ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, यहाँ से आपकी जो सनरूफ ओपन होगी, तो यहाँ से आपकी जो है ऑल द वे आपकी जो है पूरी सनरूफ दो आपके जो है मोड्स में ओपन होती है। यहीं अगर मैं उसके साथ अगर दिखाना चाहूँ तो आपको वन टच से जो आपकी सनरूफ क्लोज हो जाएगी। यहीं पर अगर मैं ऑप्शंस आपको दिखाना चाहूँ तो ये आपके कर्टन्स के लिए ऑप्शंस है, अगर आप इसे बंद करना चाहेंगे तो आपका जो है वन टच से आपका जो है कर्टन पूरा बंद हो जाएगा। यहीं पर अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आपको जो है अपने अकॉर्डिंग आपकी जो है लाइट्स मिलेंगी, नॉर्मल आपकी जो है आपको लाइट्स मिलने वाली है। यहाँ पर आपको जो है एक सनग्लास का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आप इजीली जो है अपना सनग्लास रख सकते हैं। यहीं पर अगर मैं बात करूँ गाड़ी के अंदर आपको जो है एनफ जो है दो आपको कप होल्डर का स्पेस मिलने वाला है, और आर्मरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही एनफ स्पेस के साथ जो है आपको जो है आर्मरेस्ट मिलने वाला है। किसी तरह का कोई नहीं, बहुत इसमें काफ़ी डीप है ये, तो काफ़ी अच्छा जो है आपको जो है इसमें स्पेस मिलेगा। और यहीं पर अगर आपके ग्लोब बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो ग्लोब बॉक्स के अंदर भी आपको एक लाइट मिलेगी जिसके अंदर आपको जो है एनफ स्पेस मिलने वाला है।
तो अगेन मैं बताना चाहूँ, गाड़ी के अंदर अगर आपको ड्यूअल टोन का जो है इंटीरियर आपको मिलेगा और जो सीट्स कवर आपको मिलेंगे प्रॉपर, आपको जो है बेज कलर के आपको जो है सीट्स कवर मिलने वाले हैं पूरा ऑल द वे। आपकी सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो रेयर जो सेकंड रो में आपकी जो सीट्स हैं ये आपकी 60-40 रेशो पे आपकी जो स्प्लिट होती है, और अगर जो थर्ड रो में जो हमारी सीट्स हैं वो आपकी 50-50 की रेशो में जो है वो स्प्लिट हो जाती है। तो इस तरह का जो है गाड़ी में आपको जो है फ्रंट सीट का अगर मैं बताना चाहूँ आपको जो है एक्सपीरियंस मिलने वाला है। यहीं अगर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर भी दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर कुछ मोड्स और आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको जो है नॉर्मल पार्किंग मोड्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको जो है ये आपका जो 4x4 आपको इस यहाँ से जो है थोड़ा सा अगर आप लो रखना चाहते हैं या 4x4 आपको थोड़ा सा कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है 4x4 का ऑप्शन, अदरवाइज आपकी गाड़ी ऑलवेज 4x4 में एक्टिव रहती है। यहाँ पर आपको जो है एक USB पोर्ट मिलेगा, अगेन आपको यहाँ पर भी एक USB पोर्ट मिलेगा, यहाँ पर आपको 12 वाट का जो है एक सॉकेट मिलने वाला है। तो गाड़ी में इस तरह का जो है गाड़ी में फ्रंट सीट का जो है आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अब चलते हैं गाड़ी के रियर सीट पर और देखते हैं कि गाड़ी के रियर सीट पर आपको क्या एक्सपीरियंस मिला। तो गाइस गाड़ी की जो है सेकंड रो यानी रियर सीट पर अगर मैं बात करूँ तो अगेन आपको बहुत अच्छा जो है लेंथ स्पेस मिलने वाला है, सीट्स काफ़ी कम्फर्टेबल हैं तो किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं आएगा। यहीं पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो है अगेन AC के कंट्रोल्स मिलते हैं, क्योंकि इसके AC वेंट्स आपको जो है सेकेंड रो और थर्ड रो में आपको जो है AC आपको वेंट्स मिलेंगे। तो यहीं पर अगर उसके कंट्रोल्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो है एयर फ्लो का ऑप्शन मिलने वाला है, विद अगेन अगर आप जो है कूल या हॉट एयर रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप रख सकते हैं। यहाँ पर भी अगेन आपको जो है 12 वाट का जो है सॉकेट मिलने वाला है। अगेन यहाँ पर आपको जो है रीडिंग लैंप्स मिलेंगे तो आप इन रीडिंग लैंप्स को अपने अकॉर्डिंग ऑन ऑफ रख सकते हैं। सेम एक्सपीरियंस ही मैं बताना चाहूँगा आपको जो है थर्ड रो में आपको जो है मिलेगा, जहाँ पर 50-50 की रेशियो में जो है आप अपनी सीट्स को जो है एडजस्ट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो गाड़ी के अंदर अगर मैं सेकंड रो की बात करूँ तो गाड़ी में आपको जो है आर्मरेस्ट मिलने वाला है, तो इसको जो है आप अपने अकॉर्डिंग खोल या बंद कर सकते हैं। अभी ये ऑलमोस्ट गाड़ी पूरी रैप है तो मैं इसको ओपन करके नहीं दिखा सकता, अदरवाइज यहाँ पर आपको जो है आर्मरेस्ट मिलेगा। तो अगेन मैं बताना चाहूँ गाड़ी ऑलमोस्ट आपकी जो है 80 लीटर ऑफ फ्यूल टैंक के साथ ये गाड़ी आपको जो है मिलने वाली है। और अगर यहीं पर बात करें तो गाड़ी के अंदर आपको जो है एक ज़्यादा अच्छी नहीं बट हाँ कंपैरेटिव 2 लीटर जो है इकोब्लू इंजन के साथ ये गाड़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है आराम से जो है 10 से 12 की एवरेज जो है इन सिटी आपको जो है आराम से मिल जाएगी। तो गाइस गाड़ी में अगर मैं बात करूँ तो इस तरह का आपको जो है कुछ अंदर से बाहर तक का जो है आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अगेन बताना चाहूँ गाड़ी जो है बहुत ज़बरदस्त पावर है गाड़ी के अंदर, और लुक्स के मामले में तो एंडेवर का मैं आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि गाड़ी जो है इन टर्म्स ऑफ लुक गाड़ी कैसी है। अब चलते हैं और बात करते हैं गाड़ी के प्राइस की। बात करूं अगर गाड़ी के प्राइस की तो पर्टिकुलर 4x4 का टाइटेनियम प्लस वेरिएंट जो है आपको ऑलमोस्ट 40,94,000 का पड़ेगा। इसके अंदर आपको अगर बात करूं कलर ऑप्शन की तो आपको 3 कलर ऑप्शन मिलेंगे, एक जो है मेरे पीछे आप देख रहे हैं डायमंड वाइट कलर, इसके अलावा एक एब्सोल्यूट ब्लैक, और एक लास्ट कलर आपको जो है डिफ्यूज सिल्वर कलर आपको जो है मिलने वाला है। अगर गाड़ी की वेटिंग पीरियड पे बात करें तो गाड़ी पे ऑलमोस्ट 1 महीने का आपको वेटिंग पीरियड मिलेगा ही मिलेगा। तो इन केस गाइस आप प्लान कर रहे हैं SUV का तो आप जो है ऑलरेडी इस टाइम को जो है कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ आपको किसी तरह की भी कोई भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग या पर्टिकुलर फोर्ड की किसी भी गाड़ी के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर आपको एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा मिस्टर नीरज का, तो आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 10 to 7 के बीच में आप जो है कभी भी 7 days इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हरप्रीत फोर्ड मोतीनगर अगर मैं बात करूँ शोरूम की जिस लोकेशन पर अभी हमें एड्रेस है यहाँ पर आपको जो है स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, तो हरप्रीत फोर्ड पर आप कभी भी जो है 7 days कभी भी 10 to 7 के बीच में आ सकते हैं, मिस्टर नीरज से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप जो है यहाँ पर मेरी इंस्टाग्राम की ID फ्लैश हो रही होगी, तो आप जो है मेरी इंस्टाग्राम पर भी मुझे जो है अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, ट्राई करूँगा रिस्पॉन्ड करने की टाइम से। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर दोबारा मिलते हैं गाइस एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, थैंक यू गाइस।